एयर डायनामिक्स की शॉप पे मौजूद हैं जो कि सदर सदी रोड सदर रावलपिंडी में मौजूद है। और आज हम राशिद साहब के बेटे मुहीद राशिद के साथ बैठे हैं। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जो प्राइसेस बढ़ गई हैं चीज़ों की, जिससे टायर कंज्यूमर भी बड़ा इफेक्ट हो रहा है। और आपको पता है डॉलर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लस इम्पोर्टेड आइटम्स की LCs भी नहीं खुल रही। तो उस हवाले से आज हमने मुहीद भाई से कुछ डिस्कस करना है। सलाम मुहीद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मुझे एक सवाल, छोटा सा सवाल है, वो ये है कि जो आम कस्टमर है, जो टायर का यूजर है, जी जी, वो डॉलर प्राइस भी आपको पता बढ़ गई है, इम्पोर्टेड आइटम्स की LCs भी नहीं खुल रही है, टायर्स भी महंगे हो गए हैं, तो टायर्स के हवाले से कि आम कस्टमर काफी इफेक्ट हो रहा है, उस हवाले से आप क्या सोल्यूशन देंगे कस्टमर को? इमरान सर, देखें, बात यह है कि जो भी कस्टमर हमारे शॉप पे आता है वो सबसे पहले यही कहता है कि यार ये वाला मुझे साइज चाहिए, योकोहामा में आपके पास पड़ा हुआ है या आपके पास डनलॉप में पड़ा हुआ है या आपके पास ब्रिजस्टोन में पड़ा हुआ है। तो मैं उससे यही सवाल पूछता हूँ कि आप डनलॉप, ब्रिजस्टोन या योकोहामा का टायर क्यों प्रेफर करते हैं? तो उसके पास कोई खास रीजन नहीं होती, वो यही मुझे कहता है कि सर ये मैंने यूज़ किया है तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा गया है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है सर, उसका एक्सपीरियंस नो डाउट अच्छा गया होगा। अब सर बात यह है कि अब प्राइस इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है डॉलर की वजह से, हर चीज़ की प्राइस महंगी हो चुकी है। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देख लें, वहाँ से लेके टायर्स गाड़ियाँ देख लें आप, हमारी जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वो कहाँ से कहाँ चली गई है, हर चीज़ देखिए महंगी हो चुकी है। अब एक चीज़ होती है सर, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये होता है कि आप जो जिस चीज़ के पैसे आप दे रहे हैं आपको वो चीज मिले। आज से 2-3 साल पहले आप 30,000 रुपया देते थे, आपको 4 टायर योकोहामा के मिल जाते थे, GLI की मैं बात कर रहा हूँ, 1-95-65-15। अब आप 30,000 रुपया देते हैं तो आपको 30,000 में चाइना का टायर भी नहीं मिलता। अब आप जब पूछते हैं कि यार योकोहामा की टायर की प्राइस क्या है, तो जो शॉपकीपर है वो कहते हैं सर ये आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 75,000 के। वो कहते हैं यार इतने ज्यादा महंगे, 75,000 रुपए के 4 टायर, तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। फिर दूसरा ये सर, मैं अपने कस्टमर को ये भी बताता हूँ कि पहले 2-3 साल पहले जो पैटर्न्स आते थे, जैसे योकोहामा में जो पैटर्न आता था वो आता था एडवान DP V551, मैंने सर अपनी स्विफ्ट में यूज़ किया है, आउट क्लास टायर, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अब योकोहामा जो है वो जिस पैटर्न में आ रहा है वो है ब्लू अर्थ, उसमें 2-3 सीरीज आती हैं, एक ES32 आ रहा है, एक AE51 आ रहा है, एक AE50 आ रहा है। इन्होंने क्या किया है कि ब्लू अर्थ में वो वाली क्वालिटी नहीं है जो एडवन DB V551 में थी, टायर भी महंगा हो गया और वो वाली बात भी नहीं है जो पहले होती थी। डनलॉप पहले जो सीरीज आती थी वो आती थी LM702, LM703 जैपनी सीरीज आती थी, अब जो आ रहा है वो आ रहा है SP टूरिंग R1 और SP स्पोर्ट्स 490, और अगर 704 भी आपको LM704 भी मिल रहा है तो वो जैपनीज नहीं है, वो थाईलैंड का है, और प्राइस जो है वो वहीं के वहीं है, 68-70 हाथ भी, अगर बहुत ही अगर आपको कहीं से कम भी मिल रही है तो वो 64-65 का आपको मिल जाएगा। तो मैं कस्टमर को ये कहता हूँ कि सर आप इतना महंगे जो पैसे लगाते हैं, आप उसकी ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में चाइना का टायर क्यों नहीं डलवाते? चाइना का टायर जो है ना सर, वो आपको वही स्पेसिफिकेशंस दे रहा है जो आपको ब्रांड का टायर देता है। आप टायर को चेक जब करते हैं तो आपने 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसमें एक होता है स्पीड इंडेक्स, एक होता है लोड इंडेक्स, एक होती है उसकी ट्रैक्शन, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है इसका ट्रेड वियर। अगर आपको ट्रैक्शन भी ए मिल रही है, नंबर वन बात, टेम्परेचर भी आपको ए मिल रहा है, ट्रेड वियर आपको 380-400 मिल रहा है, GLI ग्रैंडी के टायर की बात कर रहा हूँ, स्पीड इंडेक्स आपको H या V में से कोई भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में सर ये 4-5 चीज़ें अगर आपको एक चाइनीज टायर में भी मिल रही हैं तो उसका मतलब है कि वो टायर अगर आपको ग्रेडिंग स्केल पर देखते हैं तो वो ए ग्रेड का टायर है, बी ग्रेड का टायर नहीं है। बी ग्रेड का टायर ही आपके ईरानी टायर होते हैं, इनकी ट्रैक्शन भी होती है या फिर इनका टेम्परेचर भी होता है, और इनका ट्रेड वियर जो नॉन स्किडिंग डेप्थ होती है वो इनकी 200 से ऊपर नहीं होती है, ईरानी टायर की बात कर रहा हूँ। चाइनीज टायर ए ग्रेड का अगर आपको मिल रहा है और हाफ प्राइस में मिल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप बजाय इसके कि आपके 80,000 स्पेंड करें, आप हाफ प्राइस में चाइना का टायर परचेज करें, आप कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी टायर है, जितने पैसे आप दे रहे हैं आपको वो चीज़ मिल रही है, और 70-80,000 किलोमीटर सर इजीली देता है चाइना का टायर। मेरी अपनी गाड़ी में, मैंने वो पिक एंड ड्रॉप के लिए रखी हुई है, मैंने आज से 2 साल पहले उसमें ट्रैक मैक्स का टायर डाला था और वो बहुत रफ चलती है, ड्राइवर यूज करता है, ड्राइवर जो है वो उसको हर जगह लगा, वो एहतियात तो करते नहीं, आपको पता ही है।
सर मैं कहता हूँ रफ एंड टफ टायर है, जबरदस्त है, अभी तक चल रहे हैं, बेहतरीन है। अच्छा मोहित भाई, अभी आपने जिक्र किया था ट्रैक मैक्स टायर का जी जी। और आपने एक पांच चीजें जो हमें बताई थी जो कि इसमें टायर्स में मौजूद होनी चाहिए, जो कि एक आम कस्टमर को एक क्या कहते हैं चाइनीज टायर्स या ब्रांडेड टायर्स में होनी चाहिए, तो वो अगर काइंडली आप हमें ट्रैक मैक्स का बताएं, वो टायर अगर आप हमें दिखा सकें। जी जी सर, ये देखें ये टायर आपके सामने ही पड़ा हुआ है, ये देखें ये इसका नाम है ट्रैक मैक्स, ठीक है। और इसमें जो चीज देखनी होती है, पहले देखनी होती है वो आपने देखना होता है इसका स्पीड इंडेक्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको फोकस करें तो ये देखें ये इसका लिखा हुआ है स्पीड इंडेक्स दैट इज वी, ठीक है। वी अगर आप सर चार्ट में आ जाए ना तो वी जो है वो आपका आ रहा है अप टू 240 किलोमीटर पर आवर, ये देखिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी का टायर है, ठीक है, हाई स्पीड का टायर है, इसमें इसकी इसमें क्वालिटी में इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दूसरी चीज आपने देखनी होती है 91 का मतलब ये है कि ये लोड इंडेक्स है, ठीक है। लोड इंडेक्स अगर आप इसमें आए तो ये इसका ऑलमोस्ट आप कह लें कि 615 kg एक टायर वजन उठा सकता है, ठीक है। दो चीजें होगी, ठीक है। तीसरी चीज आपने देखनी होती है इसकी ट्रैक्शन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके टायर की ग्रिप कैसी है, ठीक है, वेट ग्रिप एज वेल एज ड्राई ग्रिप, ठीक है। ट्रैक्शन देखिए इसकी ए है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपका जो टायर है वो सवेर हॉट वेदर में जून जुलाई में कैसा परफॉर्मेंस, मतलब ये पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से समर कंडीशंस के लिए बना है। ये देखिए नहीं, ये ऑल वेदर है, ऑल वेदर है, ऑल वेदर। लेकिन इसका टेम्परेचर ए का मतलब ये है कि अगर आप जून जुलाई में हाई स्पीड पे भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर ए होने की वजह से ये आपका टायर बर्स्ट नहीं करेगा हाई स्पीड की वजह से, ना शोर करेगा ना आवाज करेगा, ठीक है। चार चीजें हो गई, पांचवी चीज ये होती है सर इसका ट्रेड वियर, देखिए आप ट्रेड वियर इसका आ रहा है 400, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, मैक्सिमम है, ठीक है। 400, 420 अगर आपको ट्रेड वियर मिल रहा है, मिचलिन के टायर का ट्रेड वियर 420 होता है, इसका 400 है जो कि बहुत अच्छा है। और इसका पैटर्न देख लें, पैटर्न भी इसका ये फोर ग्रूव्स में है, समर्स के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के रोड्स के लिए बहुत अच्छा है, हर लिहाज से जबरदस्त है। अच्छा मोहित भाई, अभी आपने ट्रैक मैक्स के टायर की डेमोन्स्ट्रेशन दी जिसमें आपने पांच चीजें हमें बताई जो कि एक इम्पोर्टेंट होती है, कस्टमर जब टायर लेता है तो क्या क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, ये जो ट्रैक मैक्स में ये जो चीजें थी, क्या आप हमें, क्या यही चीजें हमें योकोहामा या डनलॉप में मिलती हैं? जी जी इमरान सर, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको पहले योकोहामा का टायर दिखाऊंगा कि योकोहामा के टायर में वो चीजें आपको मिल रही है, क्योंकि आप देखें आप 80,000 पैसे भी लगा रहे हो और आपको वो चीजें भी ना मिल रही हो तो मेरे ख्याल में फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसका फायदा कोई नहीं है चीज लेने का इतनी महंगी। ये देखें अब सर, ये इसमें ये देखें इस पर अगर आप फोकस करें तो ये देखें ये लिखा हुआ योकोहामा, ठीक है, और ये आप देखें तो ये लिखा हुआ है सर इस पे, मैं आपको दिखाता हूँ, मेड इन जापान, मतलब कि ये जापानी टायर है। लेकिन इसमें जो पहली चीज जो मैंने आपको उसकी बताई थी वो ये था कि स्पीड इंडेक्स आपने देखना होता है। आप अगर इसके स्पीड इंडेक्स पे फोकस करें तो इसका स्पीड इंडेक्स सर आपको मिलेगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है स्पीड इंडेक्स टी, टी को अगर आप चार्ट में देखते हैं ना तो टी जो है वो आपका आ रहा है अप टू 190 किलोमीटर, उसका वी था 240, इसका टी है, यानी कि दो ग्रेडिंग्स लो, मतलब इसकी स्पीड ट्रैक्शन टेम्परेचर वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ उसका, वो भी आप देख लें, ये देखें ये इसका लिखा हुआ है ट्रैक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी ए है, जैपनीज टायर है, जैपनीज आपको पता है ट्रैक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर देखें इसका अगर आप फोकस करें तो वो भी ए है। लेकिन इसका अगर आप ट्रेड व्हील देखते हैं, ट्रेड व्हील का मतलब ये है कि ये डेप्थ जो होती है, ये डेप्थ ये इसकी 300 है, ट्रैक मैक्स 400 थी, आपको देखने भी नजर आ रहा होगा कि इसकी ये NHD कम है। और ये तीन ग्रूव और ये थ्री ग्रूव में है, वो फोर ग्रूव में था, वो सवेर जून जुलाई में भी जबरदस्त। इसमें अक्सर कस्टमर मेरे से शिकायत ये करता है कि यार मोहित भाई मैंने आपसे लिए थे जनवरी में आपको पता है कि कोल्ड वेदर होता है उसमें ये शोर नहीं करते हैं, जैसे ही गर्मी आती है अप्रैल मई का महीना स्टार्ट होता है ये टायर शोर करता है। इसमें क्या फोर ग्रूव थी, थ्री वो फोर ग्रूव मतलब के एयर पैसेज अच्छी होती है, एयर पैसेज का भी है एक फैक्टर प्ले होता है, दूसरा क्वालिटी का भी फर्क पड़ता है। इसमें एक पैटर्न आता है एडवांस DB, उसका जो कंपाउंड है सर रबर का जो कंपाउंड है उसका कोई मुकाबला नहीं, वो जो ग्रैंडी और करोला X 1.6 में आ रहा है,
वो आर आई एडवान सिर्फ डीपी है। अच्छा ये एडवान डीपी V551 जो मैंने अपने स्विफ्ट में यूज किया था। अच्छा वो उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन वही वाली बात है कि वो आते थे आज से 2 से 3 साल पहले, वो डिसकंटिन्यू हो गए, वो डिसकंटिन्यू हो गए। अब इन्होंने पैटर्न निकाला है ब्लू अर्थ, प्राइस भी महंगी कर दी और क्वालिटी भी गिरा दी। अच्छा मोहित भाई, अभी आपने ट्रैक मैक्स को योकोहामा ब्लू अर्थ से कंपेयर किया, तो आपके पास कोई और दूसरा ब्रांड है जिससे हम ट्रैक मैक्स को कंपेयर कर सके? जी जी सर बिल्कुल, मैं देखें ट्रैक मैक्स को योकोहामा से कंपेयर किया है, अब मैं ट्रैक मैक्स को दूसरा जो हमारा जो ब्रांड है डनलॉप, मैं आपको उससे भी कंपेयर करके बताऊंगा ताकि कस्टमर को अवेयरनेस हो। सेम साइज में, सेम साइज में बताऊंगा कंपेयर करके ताकि कस्टमर को पता चले कि यार हम जो चीज के पैसे दे रहे हैं डनलॉप के, हम 70,000 रुपए भर रहे हैं, तो हमें वो स्पेसिफिकेशन मिल रही है जो हमें चाहिए या हमें वो उससे कम स्पेसिफिकेशन मिल रही है, कम क्वालिटी का टायर मिल रहा है। तो वो देखें सर, ये देखें ये इसका, ये डनलॉप का टायर है, ये देखें अगर आप इसमें फोकस करें तो ये देखें ये लगा हुआ डनलॉप, और ये इसका पैटर्न है SP टूरिंग R1, ठीक है, ये साइज है इसका 195/65 R15। इसमें जो चीज है सर फोकस करने वाली वही है कि ये देखें ये लिखा हुआ है मेड इन इंडोनेशिया। पहले जो ये पैटर्न आ रहा था वो आ रहा था LM702 LM703 जो कि होते थे जैपनीज, अब इन्होंने एक तो मेड इन इंडोनेशिया कर दिया, क्वालिटी भी गिरा दी है, उसके बाद जब आप देखते हैं क्वालिटी किस तरह से गिरा दी है, ये देखें ये लिखा हुआ है 91H जो है वो उसका स्पीड इंडेक्स है जो हमने बाकियों को भी कंपेयर किया है, इसका भी आप देख लें H अगर आप चार्ट में देखते हैं तो ये आता है अप टू 210 km/h, ठीक है, ट्रैक मैक्स का था अप टू 240 था, मतलब कि स्पीड इंडेक्स ग्रेडिंग में ट्रैक मैक्स इससे ऊपर है, ये नाम के पैसे कैश कर रहा है कि यार डनलॉप है। दूसरी जो चीज है वो देखने वाली वो ये है इसका लोड इंडेक्स, लोड इंडेक्स सर इसका 91 है, उसका भी 91 है, योकोहामा का भी 91 है और ट्रैक मैक्स का भी 91 है। उसके बाद जो आपने चीज देखनी होती है वो देखनी होती है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन इसकी A है, इसका मतलब ये है इक्वली गुड इन वेट एज वेल एज ड्राई रोड्स। टेम्परेचर इसका A है, मतलब ये हॉट जून जुलाई में भी आप अगर इसको ड्राइव कर रहे हैं तो ये टायर आपको शोर नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा। ट्रेड वेयर इसका 500 है, ट्रेड वेयर यहाँ पर सर इसका ज्यादा है, ट्रैक मैक्स का 400 था इसका 500 है, इसकी NHD ज्यादा है, इसमें आपको एक एक एडवांटेज मिल जाता है कि इसकी ये NHD ज्यादा है, लेकिन इस सिर्फ इस NHD की वजह से आप इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसका ट्रेड वेयर 400 था इसका 500 है, तो सिर्फ 100 ट्रेड वेयर की वजह से चले इसकी प्राइस अभी आज जो उसका रेट चल रहा है वो 65-70 है, इसका रेट 50 हो 52 हो ना तो फिर आप कहते हैं कि नहीं यार ठीक है, लेकिन सिर्फ 500 ट्रेड व्हील की वजह से इसकी 65,000 प्राइस जस्टिफाई नहीं करती है। मैं ये चीज कस्टमर को समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो है इतने महंगे महंगे टायर्स खरीद रहे हैं, आप चाइनीज टायर खरीदें हाफ प्राइस पे खरीदें, आपको 60-70,000 किलोमीटर इजीली देंगे और ये आजमाई भी बात है। अच्छा मोहित भाई, अभी आपने ट्रैक मैक्स की काफी डिटेल रिव्यू दिया और मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, और मैं भी सोच रहा था अपनी वैगन आर में ट्रैक मैक्स ही डलवाऊँ, तो क्या उसका साइज आपके पास अवेलेबल है? जी सर बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास देखें इसकी अगर आप फोकस करें तो ये देखें ये लिखा हुआ है 165/65-14, ये आपकी कल्टस 2017-18-19-20-21-22 मॉडल में ये टायर डलता है। साथ अगर आप इसको फोकस करते हैं तो ये देखें ये लिखा हुआ है 175/70-13 जो आपकी पुरानी ओल्ड मॉडल कल्टस में सिटी में ओल्ड मॉडल जो सिटी आपकी 2002-2003 मॉडल ये उसमें लोग डालते हैं टायर। फिर आप इधर आ जाए ये देखें ये आपका जो साइज है ये है 155/70-12, ये आपकी मेरान में लगता है, बहुत अच्छा टायर है ट्रैक मैक्स, ये फुल रेंज है मेरे पास ट्रैक मैक्स की। इसमें अगर आप आ जाए तो ये देखें ये जो साइज है ये है 165/70-13, ये देखें इस पर अगर आप फोकस करें ना ये 165/70-13, ये टायर जो है ना इमरान भाई आपकी गाड़ी का है, ट्रैक मैक्स कंपनी का टायर है, आप अपने वैगनार में ये साइज डालें, ये आपके वैगनार में भी लगेगा, और या ऑल्टो 660 जो आजकल न्यू बहुत ज्यादा बिक रही है ये उसका साइज उस है। इसके अलावा इसमें आप आ जाइए देखें ये आपकी गाड़ी का ये भी पड़ा हुआ है, ये साथ अगर आप फोकस करेंगे तो 185/14 टायर पड़ा हुआ है जो कि आपकी लियाना में लगता है, वो देखें वो अगर आपको जूम करें ये आपकी लियाना में लगता है, सुजुकी लियाना में लगवा लें इसको, या आप इसको अगर आपने अलॉयरिंग का साइज चेंज करवाना है आपकी ब्रिंगो में भी ये साइज लगता है। इसके अलावा फिर आप अगर इधर आ जाए तो ये आपका जो साइज है ये वाला ये आपका तीन डब्बे सुजुकी बोरान का टायर है 165/70-12, इसकी भी देखिए ट्रैक्शन टेम्परेचर ट्रेड वेयर लोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक मेरे पास टायर पड़ा हुआ है, अगर आपने आपकी आपकी फुल हैवी लोडिंग है ना तो इसमें मेरे पास एक टायर पड़ा हुआ है 55/12 जो कि 8 प्लाई वाला टायर है ट्रैक मैक्स में, मतलब कि मेरे पास इमरान भाई इसमें फुल रेंज है, और आप आए शॉप विजिट करें और मैं अपने कस्टमर्स को कहूँगा कि आप ये इस टायर को एक दफ़ा ट्राई करें और इंशाल्लाह यू विल लव योर।
मुलबे थैंक यू सो मच, आपने एक डिटेल रिव्यू आज हमें दिया, और आखिर में अगर आप कोई स्पेशल टिप देना चाहते हैं कस्टमर को आज की वीडियो के हवाले से तो काइंडली आप वो दे सकते हैं। जी जी सर बिल्कुल, मैं अपने कस्टमर को यही अवेयरनेस देना चाहता था इस वीडियो में कि बजाय इसके कि आप जो है वो ब्रांड का टायर लें, आप कोई भी चाइनीज टायर परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपने जो चीजें देखनी है वो वही पांच चीजें आपने देखनी है। एक आपने देखनी है इसकी ट्रैक्शन क्या है, एक आपने इसको देखना है टेम्परेचर क्या है, एक आपने इसको देखना है ट्रेड वियर और स्पीड इंडेक्स और लोड इंडेक्स। अब सर स्पीड और लोड इंडेक्स जो है वो साइज के साथ साथ वेरी करते हैं। जारी बात है, आप 195/65 जो आपका टायर है जो आपकी GLI में लगता है, इसका जो लोड इंडेक्स है वो 91 होगा। ये लोड इंडेक्स आपको मेरान गाड़ी का नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरान गाड़ी का वजन हल्का होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जैसे अब आपका मेरान जो गाड़ी उसका मीटर 120 है ना, तो आपको ऐसी स्पीड इंडेक्स वाला टायर चाहिए जो कम से कम 120 से ऊपर वाले को सपोर्ट करता है। तो उसमें हमने देखा है कि जब लास्ट हमने वीडियो बनाई थी मेरान पे, तो उसमें 73T लिखा हुआ था। टी जो है वो देखिए, आप टी जो है वो 180 km/h तक सपोर्ट करता है, तो आप उसमें मेरान में अगर आपको टी वाला भी मिल रहा है तो आप वो लगवा लें। डिपेंडिंग ऑन योर कार, मुख्तलिफ गाड़ियों का मुख्तलिफ वजन होता है और मुख्तलिफ स्पीड इंडेक्स और लोड इंडेक्स होते हैं, लेकिन गारंटी जो है, जैसे अगर आप, मैंने 195/65 R15 को इसलिए ज्यादा फोकस किया है क्योंकि ये थोड़ा सा हॉट सेलिंग पैटर्न है। इसमें आपको मिनिमम जो स्पीड इंडेक्स चाहिए वो H चाहिए, H से नीचे ना हो, H हो V हो तो डलवा लें, ट्रैक्शन टेम्परेचर A हो, टायर में डेड टेम्परिंग हुई भी हो, तो बजाय इसके कि आप ब्रांड का टायर लगवाएं, अगर आपको ये पांच चीजें अगर आपको चाइनीज टायर में मिल रही है, हाफ प्राइस मिल रही है, तो मैं मशवरा ये दूंगा अपने कस्टमर्स को कि आप इसको डलवा लें, इंशाल्लाह कोई जो है वो आपको नुकसान नहीं है। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के वीडियो। वेलकम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।